रियासत में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्य के लोगों के लिए खुशी की खबर है। अलर्ट इंडिया न्यूज इस समय लखनपुर के प्रवेश द्वार में है। आपको बताते चलें कि रियासती सरकार द्वारा विधानसभा में हालांकि इसकी घोषणा पहले से ही कर दी गई थी, लेकिन वित्त विभाग राज्य के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 5 फरवरी को एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने टोल विभाग को हिदायतें जारी की हैं। बाहरी राज्य से आने वाले लोगों से टोल नहीं लिया जाएगा। हमारे साथ इस समय टोल विभाग के DC यहां पे मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कि उनकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है। जी, बजट में जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ अनाउंसमेंट्स की रिगार्डिंग एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन आइटम्स, और जिसमें जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें ये जो नॉन कमर्शियल लाइट मोटर व्हीकल्स, आप देख रहे हैं कि किस तरह से निकल रही हैं पीछे। कल ऑर्डर जब इशू हुआ तो 6 तारीख से इफेक्ट मिलना था, मेरे ऑफिसर्स ने रात को 12 बजे वो इम्प्लीमेंट कर लिया। मुझे बताया गया कि रात को जो पहली गाड़ी बिना टोल दिए गई, बड़े खुश थे, लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, दे आर वेरी हैप्पी। तो बिना टोल दिए जा रहे हैं, मूवमेंट स्मूथ हो गई है। कुछ और चीज़ों पर जो एग्जेम्पशन है, जो आइटम्स पे, वो भी हमने रात को 12 बजे से इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी हैं। ऑफिसर्स आर वर्किंग इट, वी हैव एवरीथिंग इन प्लेस, सिस्टम्स चल रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी अभी तक आई नहीं है हमें। जो चीज़ें ऐड ऑन होनी थी वो ऐड ऑन हो गई हैं, जो रिमूव होनी थी वो रिमूव हो गई हैं। कार्यक्रम ठीक तरीके से चल रहा है, एंड वील वर्कआउट कि अगले चंद दिनों में इसको बिल्कुल और बेटर स्ट्रीमलाइन वे से चले। तो गवर्नमेंट के लेवल पे है, उसके ऊपर चल रहा है कमर्शियल व्हीकल्स के स्कैनर्स का। गवर्नमेंट इज वर्किंग द मोडालिटीज उसके लिए। के तहत और किन किन चीज़ों पर कमर्शियल कुछ आइटम्स हैं, जिसमें आपकी सब्ज़ी जो सबसे बड़ी चीज़ है, जिस पे इनकमिंग सब्ज़ी पे माफ़ी गई गई है। फ्रूट जो सेब और जिसको कहते हैं हम पीचेस, प्लम्स के ऊपर जो था, जिसके ऊपर थी, अब कोई भी फ्रूट J&K में जो उगाया जाता है वो जब बाहर भेजा जाएगा उस पर माफ़ी है। जिप्सम पे माफ़ी कर दी गई है, चीनी पे माफ़ी है। ये मैं मोटी मोटी आइटम में वो बता रहा हूँ जो आम आदमी के साथ करती है। नमक पे माफ़ी कर दी गई है। इम्पोर्ट की ही बता रहा हूँ मैं आपको, इम्पोर्ट में मेडिसन्स पे, पल्सेस पे, वेजिटेबल्स, ऑल वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग अनियन, पोटैटो, गार्लिक, उस पे। उसके अलावा सॉल्ट है, शुगर है, कुछ सैनिटरी के आइटम्स हैं, सैनिटरी वेयर, खोपरा जो यूज़ होता है पूजा के लिए, जैसे नारियल जिसको कहते हैं, उसको, उसके ऊपर माफ़ी की गई है। उसके बाद मेडिसन्स के ऊपर माफ़ी की गई है टोल पे बाय वेट। देखिए, जो नॉन कमर्शियल की बात कर रहे हैं या कमर्शियल की? नॉन कमर्शियल में जो हमने वर्कआउट किया था, ऑन एन एवरेज हमारे पास 2000 से 2500 के व्हीकल्स, जब थोड़ा सा कम रश होता है, जब रश होता है 3000 से 3500 के व्हीकल्स नॉन कमर्शियल लाइट मोटर व्हीकल्स दोनों तरफ से क्रॉस करते हैं। रेवेन्यू रियलाइजेशन का डिटेल्स जो है वो अभी हमने वर्कआउट नहीं किया है, क्योंकि वो जो डिटेल्स थी वो गवर्नमेंट लेवल पे वर्कआउट हुई होंगी इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो भी होगा मुझे लगता है कि सहूलियत बढ़ाई है सरकार ने, तो वील वर्क इट आउट। बिल्कुल हैं हमारी ये लेन्स में, पहले क्या होता था कि लाइट मोटर व्हीकल्स, बसेस, नॉन कमर्शियल लाइट मोटर व्हीकल्स एक ही तरफ से जा रहे थे। अभी हम अभी अपनी पूरी टीम के साथ बैठे थे तो वही जिक्र कर रहे थे कि हम एक लेन डेडिकेट कर देंगे नॉन कमर्शियल लाइट मोटर व्हीकल्स एंड बसेस के लिए, बाकी जितने भी व्हीकल्स हैं इट विल बी ओपन लेन्स फॉर ऑल द नॉन लाइट मोटर व्हीकल्स वो नॉन कमर्शियल। मैं पठानकोट से आ रहा हूँ और कठुआ जा रहा हूँ, और आज मैं देख रहा हूँ कि लखनपुर टोल पोस्ट के ऊपर कोई लाइन नहीं है। ये मुबारकबाद है बहुत बहुत मिसेस महबूबा मुफ्ती, हमारे CM और फाइनेंस मिनिस्टर श्री हसीब द्राबू जी को, जिन्होंने ये वादा किया था कि LMV के ऊपर टोल के उठा नाका उठा दिया जाएगा और कोई टोल कलेक्शन नहीं की जाएगी। ये कार में जो ट्रैवल करते हैं और J&K में जितना टूरिस्ट आता है, इसके लिए बहुत बड़ी राहत है, और इससे मैं उम्मीद करता हूं कि J&K में बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को जो लखनपुर का एक खौफ था वो निकलेगा उनके मन से। ऐसा है कि
जो इन्फ्लेशन रेट है, इंडेक्स है, उसके मुताबिक टैक्सेस रेट थोड़ा बहुत बढ़ता ही है। बाकी आज ये जो टोल पोस्ट लखनपुर जहाँ पे गुड्स के ऊपर टोल है, यही एक कलेक्शन का एक जरिया है, कंट्रोल का एक जरिया है J&K में। अगर ये भी उड़ जाएगा तो J&K की आइडेंटिटी जो है वो, और कलेक्शन के लिए जो 900 से 1000 करोड़ की कलेक्शन है, ये J&K स्टेट का चलना मुश्किल है। ये बैकबोन है टोल कलेक्शन J&K। मेरा नाम रमेश सिंह, अखनूर का मैं रहने वाला हूँ जी। जिस सरकार ने जो स्टेप उठाया है टोल फ्री वाला, ये हमें बड़ी खुशी है, क्योंकि एक तो हमें रुकना नहीं पड़ेगा, आना जाना सीधे आएंगे सीधे जाएंगे, नहीं लाइन में लगना पड़ता था, और हम बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो सरकार ने काम किया है इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सरकार को। ये अच्छा काम है सरकार का, ये लोगों को राहत मिलेगी, लोकल को भी और बाहर आने वाले टूरिस्ट को भी बेनिफिट होगा सभी को। अब बड़ी लाइन में लगना पड़ता था जी, अब तो इसका मतलब कि हम सीधे निकल जाएंगे, नहीं तो कई बार 15-15 मिनट आधा आधा घंटा लग जाता था। किस तरह का कदम जो है सरकार का ये मानते हैं? ठीक है, अच्छा कदम है ये। अलर्ट इंडिया न्यूज इस समय लखनपुर में है। हम आपको बता रहे हैं कि रियासती सरकार ने बेसिक टोल से छूट दे दी है। अलर्ट इंडिया न्यूज की यात्रियों से बात हुई है, जो बाहरी राज्यों से यात्री राज्य में प्रवेश कर रहे हैं उनसे भी बात करी है, उनकी प्रतिक्रिया जानी है। उन्होंने भी इस बात की खुशी जताई है कि जो छूट रियासती सरकार ने बेसिक टोल में दी है उससे बड़ी खुशी की लहर है। सड़कें तो टूटी थी कि टोल क्यों देते, लेकिन फिर भी जो टोल सरकार की तरफ से बनता था उसे वो चुकाते थे। वहीं आबकारी विभाग के DC ने भी बड़ी विस्तार पूर्वक जानकारी हमें उपलब्ध करवाई है, लेकिन हम आपको बता दें कि वहीं कुछ आंकड़े हमारे पास इस टोल के संबंधित हैं, उसके बारे में आपको रूबरू करवाते हैं कि रोजाना सरकार को निजी वाहनों से 3,35,000 रुपये का जो राजस्व था वो प्राप्त होता था, और दूसरी तरफ सरकार ने टोल में बढ़ोतरी करते हुए 80 से 100 रुपये क्विंटल जो टोल है वो बढ़ा दिया है। बड़ी विडंबना का एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। हम आपको बताते चले कि कभी कोई भी सरकार, रियासत की कोई भी सरकार किसी भी राज्य की घाटे का सौदा नहीं करती है। काबिले गौर है कि राज्य सरकार कभी घाटे का सौदा नहीं करती है। 45,60,000 का जो रेवेन्यू मात्र निजी वाहनों से आता था, वहीं सामान पर 20 रुपया बढ़ाकर सालाना सरकार को 3,88,000 रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। तो ये सारी जानकारी जो टोल के संबंधित थी अलर्ट इंडिया न्यूज़ ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। मोहन शर्मा, अलर्ट इंडिया न्यूज़, लखनपुर।